क्या डस्टबिन इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारे घर के वास्तु में? क्या एक छोटा सा डस्टबिन हमारे फैमिली की हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्या हमारे पैसे को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे घर की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर सकता है? आज इन सब विषयों पर ही मैं बात करूँगी आपसे कि घर में रखे हुए डस्टबिन को हम वास्तु में कैसे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डस्टबिन के एट्रीब्यूट को समझना पड़ेगा कि डस्टबिन का एट्रीब्यूट क्या होता है। डस्टबिन में हम सब अपने घर का कूड़ा डालते हैं और फिर उस कूड़े को स्वीपर को दे देते हैं। वास्तु की 16 दिशाओं के जो गुणधर्म होते हैं और जो डस्टबिन के गुणधर्म हैं, जब ये दोनों गुणधर्म आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद में मिलने के बाद में डस्टबिन कैसे रिजल्ट देगा, यही हम वास्तु में एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हमारे घर की मुख्य चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनमें रखा हुआ डस्टबिन किस प्रकार के कैसे रिजल्ट देता है मैं आपको बताऊंगी। कई बार हमारा घर में वास्तु की सभी तरीके की कंडीशंस अप्लाई होती हैं, परंतु फिर भी ऐसे नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो, कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटा सा डस्टबिन इसका कारण हो सकता है। वह कैसे हो सकता है, आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ डायरेक्शन के डस्टबिन में रखे हुए रिजल्ट के बारे में बात करती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन नए अवसर आने की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है, बुध की डायरेक्शन है। यदि हम यहाँ पर डस्टबिन रख देते हैं तो ये डस्टबिन हमारे घर में आने वाले नए अवसरों में कमी को पैदा कर देगा। यदि बिजनेस पैलेस में नॉर्थ डायरेक्शन में डस्टबिन होगा तो ये सेल की रोटेशन को कम कर देगा, साथ ही साथ ही ये हमारे हेल्थ को और इम्यूनिटी में भी डिस्टर्ब लाएगा यदि ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में डस्टबिन को ना रखें। परंतु यदि किसी घर में केवल एक नॉर्थ डायरेक्शन में ही ऐसी जगह है कि हम वहाँ पर डस्टबिन को प्लेस कर सकते हैं, तो वे लोग क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है कि वे नॉर्थ दिशा में ही डस्टबिन को रखेंगे, तो हम उस डस्टबिन को बैलेंस करके रखेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? कलर के माध्यम से करेंगे। हम वहाँ पर नीले रंग का डस्टबिन रख देंगे, तो नीले रंग के डस्टबिन रखने से होगा क्या कि जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस दिशा की डायरेक्शन की, कि ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन किस तरीके के रिजल्ट देगा। ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। ईस्ट की दिशा सोसाइटी की दिशा होती है, तो ये सोशल कनेक्शन भी हमारे कहीं ना कहीं वीक कर देगा, या हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम सोसाइटी से संबंध क्यों बनाएं? सोसाइटी या समाज हमारे किस काम आएगा और हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मन में आ जाएंगे। साथ ही साथ ही ईस्ट की दिशा नॉलेज की दिशा होती है, तो यह हमारे किसी पर्टिकुलर विषय पर जो हम नॉलेज लेना चाहते हैं उसको भी यह हैम्पर करेगा। और ईस्ट दिशा की रेमेडी, अब हम ईस्ट दिशा में डस्टबिन को कैसे बैलेंस करें? यदि हमें ईस्ट की दिशा में पूरब की दिशा में डस्टबिन को रखना है, तो हमें वहाँ पर हरे रंग का डस्टबिन रखना चाहिए। हरे रंग के डस्टबिन से होगा ये कि ये भी बैलेंस हो जाएगा और आने वाले अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देगा। अब हम बात करते हैं साउथ दिशा में रखे हुए डस्टबिन की, कि दक्षिण दिशा में यदि हम डस्टबिन को रख देते हैं तो क्या क्या हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा नेम फेम की दिशा है, तो जैसे कि अब आप समझ ही गए होंगे कि यदि हम दक्षिण दिशा में डस्टबिन रखेंगे तो ये हमारे नेम फेम को तो ख़राब करेगा ही, साथ ही साथ ही ये हमारे एक्शन में भी कहीं ना कहीं कमी ला देगा। यदि हमारा मन किसी कार्य को करने को होगा तो वो हम 100% उस काम को करने में नहीं दे पाएंगे, हम अपना 100% उस काम को करने में नहीं दे पाएंगे।
तो इसलिए दिशा में भी हमें डस्टबिन रखने से अवॉइड करना चाहिए। अब हम रेमेडी की बात कर लेते हैं कि यदि साउथ दिशा में डस्टबिन है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, साउथ दिशा में डस्टबिन हमें रेड कलर का रखना चाहिए। रेड कलर के डस्टबिन रखने से उसके नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन की, कि वेस्ट डायरेक्शन में डस्टबिन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ डस्टबिन आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को, आपके बिजनेस के गेंस को कम कर देगा, और जो आपके काम करने में लयबद्धता होगी उसको वो ख़राब कर देगा, और आपके कामों में अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे कि हमारा कोई भी काम फ्रेंडली क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको वेस्ट डायरेक्शन में भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। और यदि आप वेस्ट डायरेक्शन में डस्टबिन रखना चाहते हैं तो अगेन उसे वही बैलेंस करके रखना चाहिए, और हम वेस्ट डायरेक्शन में जो डस्टबिन रखेंगे वो वाइट कलर का रखेंगे, जिससे कि उसके नेगेटिव रिजल्ट से हम बच सकें, और वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ डस्टबिन हमें कम से कम नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब मैं जाते जाते आपको एक और टिप्स दे देती हूँ कि डस्टबिन हमें कभी भी घर के बाहर मेन गेट पे नहीं रखना चाहिए, चाहे वह अंदर की साइड हो या बाहर की साइड हो। क्योंकि दोस्तों, मेन गेट पे डस्टबिन वैसे भी रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, और मेन गेट में रखा हुआ डस्टबिन चाहे आपका गेट किसी भी दिशा में है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप मेन गेट पे डस्टबिन रखने से आपको अवॉइड करना चाहिए, और डस्टबिन आप कहीं भी रखें उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए, जिससे कि उससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी कम से कम आपके बिजनेस पैलेस में या आपके घर में कम फैले।